हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अहियागंज मार्केट। जैसा कि मैंने आप लोग को मार्केट में दिखाया ही है और सब कुछ करेंगे एक्सप्लोर और सब कुछ दिखाएंगे आपको। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना। फैमिली, यहाँ पर मैं जा रही हूँ अहियागंज मार्केट। मम्मी है, मैं हूँ और ये दोनों आंटियाँ हैं मम्मी की फ्रेंड। तो हम लोग जा रहे हैं, मम्मी जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी चलती हूँ, एक्सप्लोर कर लूँगी आप लोग के। तो फैमिली, ये अहियागंज मार्केट है। यहाँ पे आपको सभी सामान थोक में मिलेगा। दुकानें आप देख ही रहे हैं राशन वगैरह की। तो फैमिली, हम लोग पहुँच चुके हैं अहियागंज मार्केट और आप लोग को दिखाएंगे पूरा एक्सप्लोर करके। और यहाँ पे राशन वगैरह की दुकानें हैं, आप लोग देख सकते हैं थोक में सामान यहाँ मिलता है। और फैमिली, मम्मी लोग पीछे आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे राशन की पूरी फैमिली, यहाँ पर बहुत भीड़ कंजेस्टेड एरिया है बट दुकानें अगल बगल आपको सब जगह मिलेंगी, देख सकते हैं आमने सामने। ये शॉप भी है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा थोक का सामान मिलता है। राखी की लगा रहे, तो देख सकते हैं रक्षाबंधन अभी आया नहीं है लेकिन ये अंकल राखी की दुकान लगाने जा रहे हैं। और देख सकते हैं गलियां कितनी कंजेस्टेड है। ये किसका बच्चा है? राखी देखियो कितनी अच्छी अच्छी है। कैसे अंकल बताएंगे, ये राखियाँ बताएंगे कैसे हैं? तो 8 रुपए दर्जन की है, 360 की है, 480 की है। अच्छा, और ये ऊपर वाली कैसे है? ऊपर वाली 480 की है। 480 की थोक में और कम रेट के भी है, 60 रुपए दर्जन की है। और ये वाली 78 का पूरा गुच्छा होगा ना? एक दर्जन। अच्छा, 12। तो फैमिली, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं राखी और सब चीज़ थोक के रेट में मिलेगा, मतलब आपको दर्जन में खरीदना पड़ेगा। 12 मिलती हैं पीसेस में और कोई 78 की है, कोई अलग अलग रेट्स की हैं। और देखिए यहाँ पे जो हल्दी मेहंदी की ज्वेलरी वगैरह होती हैं वो सब भी हैं, मतलब आपको थोक में थोक रेट यहाँ पे मिलता है। और इन अंकल की शॉप है जो मतलब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो भी यहाँ पे देखिए देखने को मिल रही है। तो फैमिली, हम लोग यहाँ मेनली आने का पर्पस ये है कि आंटी की शॉप, मतलब आंटी खोलने वाली कॉस्मेटिक की, तो वो यहाँ कॉस्मेटिक का सामान लेने आएंगे। तो अभी आपको पूरा दिखाएंगे वीडियो में। तो मम्मी, यहाँ कैसा लग रहा है? ओके, अच्छा लग रहा है। यहाँ सब थोक का सामान मिलता है, थोक का सही सामान। और जो मतलब जिसको लेना हो शादी वादी का सामान वो यहाँ आके से गाँव के ले जाए। हाँ, सब बढ़िया सामान मिलता है। और ये देखिए मलिया वगैरह जो बच्चों को पहनाई जाती हैं वो मिल रही हैं। तो फैमिली, अभी आंटी लोग ले रही हैं कॉस्मेटिक का सामान और मैं और आंटी बाहर आ गई क्योंकि सफोकेशन होने लगा था। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मौसम भी गर्मी वाला हो रहा है। यहाँ पे थोक का सारा सामान आपको हर वेराइटी मिल जाएगी, चाहे मेकअप, चाहे घर का यूज का कुछ भी, सारा सामान यहाँ अवेलेबल है। आंटी कैसा लग रहा है? चाय पी के कैसा लगा? समझ रहे हैं आप? We'll be right back.
आप देख सकते हैं ये टी शर्ट्स का पूरा बंडल मिलेगा, मतलब आपको लेना पड़ेगा। ये कितने के है? 150। तो फैमिली यहाँ पे आपको पूरा एक साथ टी शर्ट्स और मतलब पूरा बंडल लेना पड़ेगा, एक पीस नहीं, यहाँ एक कुछ नहीं मिलता, बहुत कम चीज़ें मिल जाती हैं ना, एक मिल सकता है मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ बंडल मिलेगा या दर्जन के हिसाब से। देख सकते हैं हम लोग शॉपिंग थी कि मैं और आंटी हट के करने लगे, आंटी लोग दिल करा रही हैं, आंटी अपने ऊपर लगाओ, देखते हैं आंटी के ऊपर कैसी लगती है। तो ये देख सकते हैं आंटी ने पहन ली, ये कलर अच्छा लग रहा है। तो हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा वापस वहीं पे जहाँ पे शॉप में थे, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो फैमिली आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड हो रखा है, और यहाँ पे हम लोग अहियागंज मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को दिखा रहे हैं हर चीज़, और यहाँ पे काउंट मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगी। देखिए तराजू वगैरह सब कुछ, रस्सी, मास्क, इवन सब कुछ आपको थोक रेट में मिलेगा, मतलब कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि सिंगल पीस मिले। तो आंटी आपको ये मार्केट कैसी लगी? बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी तक तो धूप थी लेकिन अब मौसम भी अच्छा हो गया है, इसलिए घूमने में बहुत मज़ा आ रही है। और राखी मतलब बहुत सारी शॉप्स हैं राखी की। तो फैमिली मम्मी भी थक गई हैं एक ही जगह बैठे बैठे, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। अब देखो आंटी को स्टार्ट करना है बिज़नेस, इसलिए जिसको भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो यहाँ से आके शॉपिंग कर सकता है ना। तो फैमिली जो मेन पर्पज़ के लिए हम लोग आए थे वो था आंटी की शॉप की शॉपिंग करना, वो हो गया है, और कल आंटी यहाँ से सामान ले जाएंगी। और अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ सब कुछ मिल जाता है, मसाले वगैरह की मजा आ रही है, क्योंकि मसालों की मतलब थोक में मिल रहे हैं। तो फैमिली आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मैंने अहियागंज एक्सप्लोर किया, अहियागंज लखनऊ की होलसेल मार्केट है जहाँ पे होलसेल में सामान मिलता है। तो वीडियो देखिएगा पूरी, और ये उनके लिए यूज़फुल है जो मतलब शॉप वगैरह ओपन करते हैं या जिनके घर में शादी है या कोई फंक्शन है बड़ा, तो वो अहियागंज से सामान थोक में ला सकते हैं, जैसे राशन वगैरह या कुछ भी। बहुत सारे लोग अहियागंज की ही मार्केट करते होंगे राशन वगैरह के लिए। तो फैमिली अभी हम लोग खा रहे हैं जामुन, अब मैं लिख रही हूँ असाइनमेंट, क्योंकि पता है जो मैंने असाइनमेंट लिखा था उसको रख दिया था कि अब वो यूज़ नहीं होगा, रोटियाँ उसके नीचे रखने के लिए टिफिन में डालेंगे, और मैम ने कहा उसे सबमिट करना है हार्ड कॉपी, तो अब मैं लिख रही हूँ फिर से और जाके कल सबमिट करूँगी। तो फैमिली यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी बना रही हैं खाना, और कढ़िया को उधर कर रही हैं, और दाल इधर चढ़ा देंगी। तो फैमिली ये गंदगी जो है ये बब्बू सच्चम की मचाई हुई है, मैंने नहीं यूज किया, मैं सिर्फ ये आम खा रही हूँ, पहला है मेरा। तो फैमिली अब टाइम हो चुका है सोने का, तो मैं जा रही हूँ सोने, और मम्मी लेट चुकी हैं, और अब मैं भी जा रही हूँ क्योंकि दांत में मेरे दिक्कत है, आप लोगों को जैसा कि बताया मेरे सर भी दर्द हो रहा है। और आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोग के लिए लेके आती रहूँगी। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बहुत जल्द मैं Q&A वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने वोट किया है Q&A वीडियो के लिए, तो प्लीज़ आप लोग के जो भी कमेंट हो वो आप कमेंट कीजिए, मैं मतलब क्वेश्चन हो वो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं नए ब्लॉग या वीडियो के साथ। तो